अस्सलाम वालेकुम वीरा ते वीनिया की हाल है। उम्मीद है सारे ठीक हो गए। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हाँ। तो मेहमाना अल्लाह मनाप ते अज असीं बहुत जबरदस्त ईद के हवाले नाल एक रेसिपी बना रहे हैं जिहड़ी कि हर घर च बनेगी और सारे बहुत पसंद भी करनगे। तो असीं बना रहे हैं किमें वालियाँ टिक्कियां। तो आओ शुरू करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है जी 2 kg कीमा। प्याज मैंने इसमें बाजार से ही बनवा लिया था। अगर आप घर में डालना चाहें तो आप घर में भी ला के डाल सकते हैं। ठीक है, ये है 2 kg। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैंने 3 से 4 अदद प्याज इसमें मीडियम डलवाए हैं और ग्रीन चिली भी साथ ही है इसके। ठीक है, और इसमें जो अब दूसरे मसाले जाएंगे वो कुछ यूँ हैं। ये है जी सूखा धनिया 1 tablespoon, 1/2 teaspoon अभी मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon ही अभी मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर, 1 tablespoon भर के जीरा, गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ जाएगा जी ये है सेख कबाब मसाला 1 packet। ठीक है, अभी मैं देखूंगी कि इसमें मजीद और कितना जाता है, फिर उस हिसाब से मैं और भी डालूंगी। ठीक है, और ये है साथ 1 अंडा। ठीक है, बाइंडिंग के लिए, ताकि टिक्कियां जो है ना वो टूटे नहीं और टिक्कियां जो है ना वो जुड़ी रहे। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं जी मिक्स। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। कीमा ठंडा है फ्रिज वाला, तो जितना अच्छा फ्रिज का कीमा होगा ना ठंडा, उतना अच्छा ये बनेगा टिक्कियाँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बाज़ लोग रेड मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं रेड मिर्च नहीं इसमें ऐड करती। मेरे यही होती है यानी कि जो कबाबों में होती है, कबाब मसाले में। इसको अच्छे से गूंद लेते हैं ताकि सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको हाफ आवर के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाफ आवर के लिए रख रही हूँ। तो मिलते हैं हाफ आवर हो चुका है, तो अब फिर चलते हैं टिक्कियाँ बनाते हैं। तो चलें। अच्छा जी, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। तब मैं तवे पर बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ऑयल तो नहीं मैं बिल्कुल डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी टिक्कियों कीमे में चर्बी है, तो उस वजह से इसमें काफी ऑयल निकल आता है, तो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टिक्कियां थोड़ी सी बारीक करेंगे ताकि, क्योंकि ये श्रिंक होती हैं थोड़ी सी ना। तवा हो चुका है गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आप इस तरह भी बना सकते हैं या फिर नीचे फ्लेम डाल के। मैं आपको दूध डाल लेती हूँ अभी। जो भी आपके पास पेपर है, बटर पेपर है, वो भी डाल लें, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है,
इस तरह बॉल बनाने, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका और बनती भी परफेक्ट है गोल, ठीक है। इसको रखें यहाँ पे ऊपर से इस तरह कर ले, एक प्लेट ले लें छोटी, इसके साथ इसको इस तरह प्रेस करें, ये देखेंगे हमारी मसाला से टिक्की बिल्कुल जाती, देखें उसमें इसमें कितना फर्क आ गया, ठीक है। आप हमें ये भी बताया करें कि आप कहाँ से और किस जगह से हमें देख रहे हैं, और कमेंट्स भी किया करें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छी रेसिपी बना सकें। हम अब इस तरह इनको बना लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा भी ये देखें इसकी एक साइड हो चुकी है, अब हम इसे कर लेते हैं फिर साथ इसके एक और डाल देते हैं, जितने और जाएंगे मैं कितनी थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ, जिनके बच्चों को बड़ी देनी होती है बड़ी के अंदर रख के, ठीक है। अच्छा जी अभी तो फ्रागे में इतनी बस आई है तो वो मैं बना रही हूँ, तो बाकी दोबारा दिखाती हूँ जब ये बनती है। अच्छा जी अब हम इसको अच्छे से साफ साफ रख देते हैं ताकि इसमें जो पानी है टिक्कियों का वो सारा निकल जाए। प्रेस करने से जो इसमें पानी होता है ना कीमे का वो सारा निकल जाता है, ठीक है। और हमने थोड़ी सी जूसी रखनी है तो इसलिए इनको ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 10 से 15 मिनट में ये हो जाती है टिकियां। ये देखिए ऑयल इन्होंने छोड़ दिया ना, पानी बहुत कम है, गए बिल्कुल ऑयली हो गया, अब ऑयल हमें डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा जी जो बन चुकी हैं उनको लेते हैं निकाल, इसी तरह का हमें कलर चाहिए, बाद लोग कुछ ज्यादा डार्क कर लेते हैं लेकिन मुझे इतनी डार्क नहीं चाहिए, ये डार्क नहीं है, ठीक है। ये देखिए मसाला से बिल्कुल पानी नहीं है अभी, मैं बिल्कुल इनमें पानी जो है ना खत्म हो गया, ऑयल इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा सा कलर दे लेते हैं साथ, क्योंकि थोड़ा सा ब्राउन होगा ना तो फिर नाइस लगेगा, ठीक है। मजेदार टिक्कियां किन्ने की रेडी हैं, आप इसको ईद पे बनाएं और बहुत मजे की ये बनती हैं, आप इनको जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं। और मैं अब आपको खा के भी दिखाती हूँ, ये मैंने हरे धनिया की और पुदीने की ग्रीन चिली की चटनी बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मजे की ये बनी है और आप इसको बना के ईद पे खूब एंजॉय करें, और इसी तरह आपको और भी रेसिपी मिलेंगी इंशाल्लाह।
आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।